नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। सुबह के 10 बज रहे हैं और 10 का दंगल के साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। मन से वो मुस्लिम वोटर्स को ललकार रहे हैं, कहते हैं कि तुमने अब तक सबको चुना, अपना नुमाइंदा कब चुनोगे। ओवैसी के ऐसे गरजते भाषण सुनते हुए ये समझना मुश्किल नहीं कि उनकी नजर कहां पर है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मंच के पीछे उनके समर्थक, उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कैसी कैसी तरकीबें लोगों को सिखा रहे हैं। ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम दो हमारे दो वाली अपील की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ओवैसी के यूपी प्लान का यह पहलू चौंकाने वाला है। ओवैसी खुद अपनी जुबान से मुसलमानों को जनसंख्या बढ़ाने की बात तो नहीं करते, लेकिन उनके सियासी कुनबे में ऐसे तमाम लोग हैं जो देश के सामने संकट बढ़ाने वाली तरकीबों को बढ़ा रहे हैं। सवाल है कि जनसंख्या बढ़ाने वाला कार्ड खेलकर या यूपी चुनाव की बाजी जीतने में जुट गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। क्या ऐसे बयानों का मुस्लिम वोटरों पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? 10 का दंगल में इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। ओवैसी को पीएम बनाने का फॉर्मूला। अबे जब तक बच्चे ना होंगे कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। 4 बीवी 40 बच्चे, गजवाए हिंद साजिश। मुस्लिम आबादी बढ़ाएंगे तो ओवैसी पीएम बन जाएंगे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। हिंदुस्तान में जनसंख्या जिहाद क्या एक हकीकत है? इस सवाल को टालने वालों, जनसंख्या जिहाद पर लगाम लगाने की बात पर हंगामा खड़ा करने वालों, हकीकत सुनो। लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा बच्चा, दो बच्चे अच्छे। आधुनिक हिंदुस्तान में संविधान की दुहाई देने वाले, खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी के चेले के मन में छुपा गजवाए हिंद का प्लान सुनो। लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा बच्चा, दो बच्चे अच्छे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। वोट नहीं होगा, दलितों को डराया जा रहा कि बच्चे बंद करो, मुसलमानों को डराया जा रहा बच्चे बंद करो, क्यों करें बच्चे बंद। जनाब की पहचान अलीगढ़ में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष के तौर पर है और ओवैसी के कितने करीबी हैं कि उन्हें पीएम बनवाने के लिए मुस्लिम महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन बना डालने में भी उन्हें कोई गुरेज नहीं। दलितों को डराया जा रहा कि बच्चे बंद करो, मुसलमानों को डराया जा रहा बच्चे बंद करो, क्यों करें बच्चे बंद। सवाल है, क्या गुफरान खुद से मुसलमानों को 4 बीवी 40 बच्चे के लिए उकसा रहे हैं, या ओवैसी की पार्टी और उनके जैसे नेता वोट युद्ध में इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं? इसका एक जवाब असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की उबाल मारती हसरत में छुपा है। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है। कोई इनसे पूछे कि हिंदुस्तान में 1000 साल शासन करने वाली कौम आज तंगहाली में क्यों है, उसका ऐसा हाल किसने किया, क्यों हुआ, क्या ऐसे नेताओं की सियासत ने मुसलमानों को हाशिए पर नहीं ला दिया? आज सियासत के लिए वोट युद्ध में जनसंख्या जिहाद को हथियार बनाने की लालसा समाजवादी पार्टी में भी दिखती है। दुनिया वाले टकराएंगे तो पास पास हो जाएंगे। वो जो है जो अल्लाह ने पैदा की है वो आनी जरूरी है। गुफरान नूर का ताज़ा बयान एक बानगी है जिसकी तस्दीक खुद ओवैसी के पुराने बयानों से झलकती है। जनसंख्या नियंत्रण वक्त का तकाजा है, पर जनसंख्या जिहाद पर शिकंजे की बात से ही ओवैसी जैसे नेताओं को इतनी मिर्ची क्यों लगती है कि वो मर्दानगी की ललकार पर उतर आते हैं? अगर नहीं पैदा कर सकते तो औरंगाबाद में एक पान की दुकान है, तारा का जाके 5000 का पान खाओ, टन-टनाटन फायदा होता। सवाल है, क्या गुफरान का ताजा बयान जनसंख्या जिहाद का जीता जागता सबूत नहीं है? क्या ये एआईएमआईएम समेत कई विपक्षी पार्टियों पर सवाल खड़े नहीं करता है? इसका जवाब असदुद्दीन ओवैसी और तुष्टीकरण की सियासत करने वाले नेताओं को देना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए 10 का दंगल में बहस की शुरुआत करें। अपने मेहमानों से आपको मिला देता हूं।
हमारे साथ राजेश चौधरी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश कुरैशी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, नदीमुद्दीन साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं सबसे पहले दानिश कुरैशी साहब आपके पास आ रहा हूं। भाई, असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाना है, देश पर राज करना है, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करो, इसका क्या मतलब है? देखिए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो बात यह है कि जो आप कह रहे हैं, गुफरान नूर जो अलीगढ़ के नुमाइंदे जिला अध्यक्ष, उन्होंने जो कुछ भी कहा है, क्या वो गैर कानूनी है? वैसे तो ये उनका विचार हो सकता है, लेकिन क्या हमारे यहाँ अभी देश में कोई जनसंख्या कानून है क्या? अच्छा, जनसंख्या कानून नहीं है, जनसंख्या कानून नहीं है, इसलिए आप 40 नहीं 400 बच्चे पैदा करें, कोई दिक्कत नहीं है जी? नहीं नहीं, तो आप नहीं, आप तय करेंगे कि किसके घर में कितने बच्चे होने चाहिए जी? भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। बस 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 बस, मैं ये जानना चाह रहा था दानिश कुरैशी साहब कि आप तय करेंगे क्या? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, आप इस अपील से, इस अवेयरनेस प्रोग्राम से, इस परिवार नियोजन के प्रोग्राम से आप सहमत है या नहीं है? आपने तो एक सेकंड भी नहीं लिया, धज्जियां उड़ा दिए आपने इस प्रोग्राम की। अब परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या बीजेपी लेकर आई क्या? सुनिए मेरी बात, हम दो हमारे दो ये अपील है, ये कानून नहीं है। और अपील मान, और आपने कह दिया कि हम आपकी मानेंगे क्या? ये आप तय करेंगे क्या? आपने तो दो सेकंड भी नहीं लिया साहब, दो सेकंड में आपने हवा निकाल दी परिवार नियोजन की। अरे क्यों परिवार, अभी तो एक घंटे डिबेट का बाकी है, अभी एक घंटे बाकी है डिबेट के, आपने दो सेकंड में हवा निकाल दी। नहीं 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 नहीं, जब तक कानून नहीं है तब तक आप इस भाषा में बात नहीं कर सकते, अपील ही की जा सकती है। अरे साहब, मैं कौन होता हूँ, मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला या किसी और को रोकने वाला? ये तो अपनी सोच, अपनी समझ है, ये अपनी सोच और अपनी समझ है। जनसंख्या विस्फोट को लेकर देश का नागरिक क्या सोचता है नहीं सोचता है, ये उनकी सोच और उनकी समझ है। लेकिन हैरानी होती है और शर्म आती है ऐसी सोच पर, हैरानी होती है और शर्म आती है ऐसी सोच पर, जो ये कहते हैं कि साहब देश में राज करना है तो आप इतने बच्चे पैदा कर लो, चाहे वो कोई भी बोलता हो, हैरानी होती है ऐसे लोगों की सोच पर और शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच पर। मैं राजेश चौधरी जी, साफ कह दिया यहां पर दानिश कुरैशी साहब ने कि आप हमें रोकिएगा, आप हमें तय कीजिएगा कि हमें कितने बच्चे पैदा करने और नहीं करने हैं। देखिए, ये गजवाए हिंद का हिस्सा है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस देश पर ये कब्जा करना चाहते हैं। जनसंख्या जिहाद चला करके ये चाहते हैं, अब इनकी ताकत इतनी हो रही है। पहले तो औरंगजेब ने क्या जिहाद चलाया था देश में, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान। जो दानिश भाई वो औरंगजेब की तलवार से डरे हुए पूर्वजों के पुत्र। औरंगजेब की सेना क्या करती थी, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान, स्वीकार करो किसको करना है। जो शहीद हो गया उसने तो तलवार स्वीकार कर ली, जो डर गया उसने कुरान स्वीकार कर ली। तो ये कोई पहला अभियान नहीं है, ये जन्मजात चला रहा है इनका, ये तो इनका ये फिलहाल तो गजबाए हिंद चला रहे हैं। और मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, इनका कोई मतलब देश से नहीं है। यदि देश के हित की बात करें, देश के विकास की बात करें, समाज के विकास की बात करके, आप देखिए ना जनसंख्या लोड, एक छोटे कस्बे में भी हम जाते हैं तो वहां जाम लग जाता है। हॉस्पिटल में जाएंगे वहां भीड़, दुकान पर जाएंगे वहां भीड़, एयरपोर्ट पर जाएंगे वहां भीड़, रेलवे स्टेशन पर जाएंगे वहां भीड़। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या का अनुपात एक धर्म देश का बढ़ रहा है, लोग उसी का ये हिस्सा है। ये चाहते नहीं, आप ये चाहते हैं कि मोदी जी की तरह पत्नी का त्याग कर दे, गंभीर नहीं, आप ये चाहते हैं कि लोग मोदी जी की तरह अपनी पत्नी का त्याग कर दे, वो तो नहीं होगा। वैदिक धर्म को मानने वालों का देश है, ये सनातन धर्म वालों का देश है। आप मुझे ये बताइए कि क्या आप ये चाहते हैं कि लोग अपनी पत्नी का त्याग मोदी जी की तरह कर दे, वो छोड़ दे उन्हें। चले, मैं ग्राउंड जीरो का रुख कर रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। मकसूद खान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं अयोध्या से, मेरे सहयोगी। मकसूद, सवाल यह है कि ये जो बयान सामने आया, इससे क्या मुस्लिम मतदाताओं को इसका कोई असर पड़ेगा क्या? आज की तारीख में कोई मुसलमान या कोई भी हिंदू या देश का कोई भी नागरिक चाहेगा कि 40-40 बच्चे उसके हों? ये दरअसल
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों का काम सिर्फ भड़काना है और लोगों को बहकाना है, बरगलाना है। अब रही बात असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM की, क्योंकि इसी के एक नेता गुफरान नूर ने बयान दिया ना, ये दरअसल दोगले लोग हैं, ये दरअसल दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी इन्हीं के सदर है ना, इन्हीं के अध्यक्ष है ना, कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, उन्हीं के छोटे भाई जो मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, सेना को हटा दो, फिर हम दिखा देंगे कि हम में कितना दम है। उनके दो बच्चे हैं, इन्हीं के इसी पार्टी के दूसरे एकमात्र पूरे देश में दूसरे सांसद इम्तियाज जलील, उनके कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। तो दरअसल ये अपने लिए अलग मापदंड रखते हैं, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। दानिश कुरैशी, मकसूद खान के सवाल का जवाब दीजिए, मकसूद खान के सवाल का जवाब दीजिए, दोहरा मापदंड। लेकिन जो नेता ऐसे बयान दे रहे हैं उनके कितने बच्चे हैं, उनके कितने बच्चे हैं जो दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि वो ज्यादा बच्चे, चार चार 40-40 बच्चे पैदा करो। प्रत्युत जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो ऐसा बयान नहीं दिया, ना ही इम्तियाज। अरे उनकी पार्टी के, उनके पार्टी के नेता ने दिया ना, और आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। बात तो सुन लीजिए प्रत्युत जी, पूरी बात सुन लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि किस कपल के कितने बच्चे होंगे, वो परिवार तय करे कि उनके कितने बच्चे होने चाहिए। क्या गुफरान ने ये कहा? तो फिर गुफरान नूर को यह किसने दे दिया लोगों को यह सलाह देने के लिए कि ज्यादा बच्चा पैदा करो तब देश में हम राज कर पाएंगे? ये अथॉरिटी, ये हक, ये अधिकार आपकी पार्टी के नेता को कैसे मिल जाता है कि वो दूसरों को सलाह दे रहा है? अगर कोई कपल नहीं चाहता है, सुन लीजिए, मकसूद खान मेरे सहयोगी अयोध्या से जुड़ रहे हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जान लीजिए, सुन लीजिए मकसूद का सवाल। मकसूद पूछे, जीवन में तरक्की करें। मेरा सीधा सवाल है कि अपने लिए मापदंड अलग हैं, अपने लिए अपने बच्चों के लिए इनकी ख्वाहिशें अलग हैं, लेकिन दूसरों से कह रहे हैं कि वो भले ही बच्चों का अच्छी तरह से परवरिश ना कर पाए, उन्हें दो वक्त की रोटी ना दे पाए, लेकिन वो बच्चे पैदा कर दे। क्यों? क्योंकि उन्हें ओवैसी को वोट देना है। ये सिर्फ वैसे ही लोग हैं जो कश्मीर के नेता है ना, अपने बच्चों को तो फॉरेन में सेटल कर देते हैं, अपने बच्चों को तो बेहतर एजुकेशन दिलाते हैं, लेकिन दूसरे बच्चों से कहते हैं कि आप बंदूक उठा लीजिए, इस्लाम के नाम पर आप बंदूक उठा लीजिए और आतंकवादी बन जाइए, आप कश्मीर की आजादी की लड़ाई लड़िए। इनमें और उन कश्मीरी नेताओं में कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों की लाशों से सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करके किसी तरह तख्त पर पहुंचना चाहते हैं। इनमें और उन कश्मीरी नेताओं में कोई फर्क नहीं है। ये अपने लिए, साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं मोदी साहब का रुख करूंगा। मुसलमानों के लिए अलग मापदंड चाहते हैं। ये दोहरा चरित्र है। आपको एक बात ये बता दूं कि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि ये अपने लिए मापदंड अलग रखते हैं और लोगों के लिए मापदंड अलग रखते हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि मापदंड जो है अगर परिवार नियोजन का, कि किसके परिवार में कितने बच्चे हाँ। होंगे, ये कौन तय करेगा? क्या असद साहब हैदराबाद बैठे तय करेंगे या मोदी जी दिल्ली बैठे तय करेंगे? नहीं, ये उस परिवार को ही तय करना है। सुन लीजिए, ये उस परिवार को ही तय करना है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है। अगर वो बच्चों की परवरिश कर सकते हैं तो क्यों नहीं दो, क्यों नहीं मर्जी की बात चाहे। मैं तुषार आपके पास आ रहा हूं। तुषार, ये बयान इसलिए तो नहीं दिया गया कि इसके बाद फिर बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा बयान आए और इसी पर बहस शुरू हो जाए? क्यों ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे भाई तुषार? बिल्कुल, देखिए ये जो मुजम्मिल पार्टी है इनका निश्चित तौर, देखिए ये जो मुजम्मिल पार्टी है इनका एकमात्र काम है हर दिन एक ऐसा बयान दे देना जिसके बाद से विवाद खड़ा हो जाए, जिसके बाद से डेली कुछ ना कुछ बहस की चर्चा छिड़ जाए। देखिए इनके इस बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि इनके पार्टी का चरित्र क्या है, क्योंकि देखिए इस चरित्र से, इस बयान से एक बात साफ है कि ये केवल औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं, और यही वजह है कि इस तरह का बयान इनके जो नेता है नूर दे रहे हैं और मंच पर बैठ के इनके जो नेता है उसको डिफेम कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बच्चे पैदा करना, जनसंख्या, असदुद्दीन ओवैसी भी पहले भी जनसंख्या नियंत्रण कानून जब योगी सरकार लाना चाह रही थी तब भी उनका बयान था और वो इस जनसंख्या नियंत्रण कानून की लगातार आलोचना कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। यानी कि भले ही नूर का बयान हो लेकिन वो बयान कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हैं असदुद्दीन ओवैसी से, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी से। नदीमुद्दीन साहब, आप भी इस बयान को बिल्कुल सही मानेंगे जो बात यहाँ पर दानिश साहब ने कहा कि भाई देश में जब तक कोई कानून नहीं है कोई किसी को कैसे रोक सकता है, वो 40 बच्चे पैदा करे या 400 बच्चे पैदा करे? देखिए
जनसंख्या नियंत्रण बिल या जनसंख्या नियंत्रण, ये हिंदू और मुसलमान दोनों की जिम्मेदारी है कि देश के पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। एक बात जी, आज सती नवेशी पर आप हंगामा कर रहे हैं, साक्षी महाराज बिल्कुल नहीं के पैदा, साक्षी महाराज सही कहा आपने, साक्षी महाराज साध्वी प्राची ऐसे अनगिनत बयान है जिन्होंने ऐसे ही बातें कही हैं कि हिंदू चार चार बच्चे पैदा करें, छह छह बच्चे पैदा करें। मैंने शुरू में ही कहा नदीमुद्दीन साहब, अगर आप सुन रहे होंगे तो, अगर ऐसे बयान कोई भी देता है तो उसको कोई हक नहीं है लोगों को बरगलाने का और उल्टी सीधी नसीहतें देने का। तो ये पढ़ा नहीं पा रहे, उनको तो आपकी बात सही, अगर मैं नहीं कह पा रहे और ये 40-40 बच्चों को क्या हम लोग टैक्स देंगे और ये 40-40 क्यों नहीं मिल रही इनको राशन बिल लेकर के ये कानून बनाने के बाद उस पर डिबेट करिए, उस पर बहस करिए। फला क्या बोलता है उसका तो जिम्मेदार सारे मुसलमान नहीं है या साक्षी महाराज बोलेंगे तो उसका जिम्मेदार सारे हिंदू नहीं है, मगर जब तक जनसंख्या कानून नहीं आएगा तो लोग बच्चा पैदा करते रहेंगे, इनको रोकने वाला आप है ना, मगर बच्चा कितना पैदा करेगा यहाँ पर हम तय नहीं करेंगे। अगर कोई चीज कानून के अंदर नहीं है तो क्या वो चीज नहीं करनी चाहिए? गरीबों को अगर गरीबों की सहायता कानून में नहीं लिखा हुआ है तो अरे बीजेपी के किस तरह एमएलए हैं, तीन तीन चार चार बच्चे पैदा किए हैं बीजेपी के एमएलए 30-40 यूपी में हैं, जो चार चार बच्चे पैदा किए हैं। कितने मंत्री हैं जो तीन तीन चार चार बच्चे तो पैदा किए हैं, पहले उन मंत्रियों को मार के भगाओ, बीजेपी के एमएलए को निकालो, योगी के कितने भाई बहन है, योगी के साथ आठ भाई बहन है, उच्ची प्रिंसिपल बने हुए हैं, प्रधानमंत्री के कितने भाई बहन है, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, आपकी शर्म नहीं आती है बात करते हुए? आपकी अपनी सटाई है और उधर आप वो कोई बोटी बोटी की बात करता है, कोई क्या करना चाहते हैं, लोटना चाहते हैं क्या इस देश के समाज को, इस जनता को लोटना चाहते हैं क्या? आप क्या कर रहे हैं, जो आपके बच्चे हैं उनको तो परवरिश दीजिए, उसके बाद में आप बेरोजगारी की बात करते हैं, उसके बाद में आप महंगाई की बात करते हैं, उसके बाद में आप आवास की बात करते हैं, आप कपड़े की बात करते हैं, कहां से आएगा कोई इतना सामान? काशी में जाकर के करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं आप लोगों को, बेवकूफ इतने ये पागल पंथी वाला काम नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको कम से कम अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अगर कोई सत्ता प्राप्ति के लिए या अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए क्या इस देश को भीड़ तंत्र में बदल देंगे क्या? अरे भाई आप साक्षी महाराज को निकालो, आपके बीजेपी के कितने लोग हैं जिनको साक्षी महाराज ने जब ये बात कही थी तो उनका उनका परिपेक्ष क्या था? उनका भी तो परिपेक्ष इसी चीज से था कि दूसरी तरफ चार बीवी और 40 बच्चे, तो साक्षी महाराज क्या करेंगे? मैं यही तो आपको कहना चाहता हूँ कि अगर चार बच्चे और चार बीवी और 40 बच्चों की बात करेंगे तो दूसरा बच्चा दूसरा समाज भी ये बात कहेगा कि हमें भी इतने बच्चे करने चाहिए, हमें भी ये करना चाहिए, हमें भी वो करना चाहिए, तो क्या इस देश का इस देश को कहीं तो ले जाकर छोड़ोगे? दूसरी बीवी है, किसी ना किसी स्थान पर इसको रखना पड़ेगा। आप हेमा मालिनी को कब बाहर करा सरता रहे, हेमा मालिनी को पार्टी से कब निकालना है? हेमा मालिनी हेमा मालिनी के ऊपर इसके ऊपर उसके ऊपर जा रहे हैं, इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? आप इस ये नहीं बता रहे क्या आप इस बात की मजम्मत करते हैं या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, इस देश की सत्ता पे कब्जा करने के लिए, क्या इस बात से आप सहमत हैं?